चीकू की मम्मी दूर की के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यहाँ पे नुपुर गणेश भगवान जी की मूर्ति के पास खड़ी होती है और वो कह रही होती है कि वो उन बच्चों की पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करेगी, उन बच्चों को उसकी माँ से मिलवाएगी। यहाँ पे वो यही सब कह रही होती है और वो ये भी कहती है कि वो जो करने जा रही है उसके बारे में वो ना तो मिलिंद को बताना चाह रही है ना ही अपनी फैमिली को, बस मिलिंद को थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा पर पूरा सच नहीं। तभी यहाँ पे मिलिंद भी आ जाते हैं और मिलिंद कहते हैं कि तुम यहाँ पे हो, मुझे लगा कि तुम फिर से बच्चे को डांस सिखाने के लिए चली गई होगी। तभी यहाँ पे इस बात पे नूपुर जवाब नहीं देती है और वो कहती है कि मैंने एक चीज सोच रही हूँ। तो यहाँ पे वो पूछती है कि क्या। तभी वो कहती है कि हम लोग जो एक बस्ती है उनमें कुछ बच्चे होते हैं वहाँ पे गणेश उत्सव भी मनाया जाए तो क्यों ना हम लोग अपनी कंपनी से स्पॉन्सर करवाए। यहाँ पे वो थोड़ा डर डर के बोल रही होती है क्योंकि यहाँ पे इसे लगता है कि मिलिंद शायद नहीं मानेंगे। तभी यहाँ पे मिलिंद थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, तभी ये पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो कोई बात नहीं। तभी यहाँ पे मिलिंद कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा, हम लोग ऐसा ही करेंगे। तभी ये खुश हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ वो दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे इन लोगों की जो मुंगोली माँ है वो इन सबसे कह रही होती कि कोई भी अब बाहर नहीं जाएगा और वो जो औरत है वो तुम लोगों को हमसे छीनना चाहती है इसीलिए वो बार बार तुमसे मिल रही है। यहाँ पे ये सबको मना करती है और खासकर इस चीकू को, पर चीकू कहती है कि माँ अगर हम लोग जाएंगे नहीं तो चोरी कैसे करेंगे। फिर भी इसकी माँ कहती है कोई चोरी नहीं करेगा पर कोई जाएगा नहीं। तो यहाँ पे ये लोग बहुत बार रिक्वेस्ट करते हैं पर इसकी माँ साफ साफ मना कर देती है और वो जो चंदन होता है उससे वो हर तरफ घेरा करने लगती है। तभी हम दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पे मिलिंद अपनी फैमिली से बात करते हैं कि नुपुर ऐसा चाह रही है, पर यहाँ पे इसकी माँ और इसका भाई तो पहले ही मना कर देते हैं। पर यहाँ पे मिलिंद अपनी माँ को जाकर समझाते हैं तो इसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं, तुम लोगों को अच्छा लग रहा है तो तुम लोग करो और ये भगवान की पूजा तो मैं इस पर नहीं आऊंगी, पर हाँ हम लोगों का जो मान सम्मान है उस पर आँच नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे ये सब लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ पे यही सब होता है और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे जो नुपुर है वो अपनी दोस्त से बात करती है कि उसने मिलिंद से ये बात कर ली पर वो सारा सच नहीं बताई है और हम लोग वहाँ पे बस्ती जाकर बच्चों को ढूंढेंगे। तो यहाँ पे ये और उसकी दोस्त यहाँ से निकल जाते हैं। और इधर दिखाया जाता है कि जो इस चीकू की मुंगोली माँ है वो उसे कुछ काम से बाहर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे एक जो उनका एक और लड़का है वो कहता है कि चलो हम दोनों ही सारा सामान लेकर आते हैं। तो यहाँ पे ये मान जाती है पर इन सबको जाने से मना करती है, कोई भी गणेश उत्सव में नहीं जाएगा और वो वहाँ पे लकीर भी बना देती है और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। पर चीकू सोचती मुझे जाना तो पड़ेगा ही, माँ को हेल्प करना ही होगा, अगर वो जीत जाएगी तो 1 लाख तो मिल ही जाएगा। तभी वो कदम बाहर रखती है तो उसे माँ की कही बात याद आ जाती है। तभी यहाँ पे कुछ देर के बाद गणेश जी की पूजा होते हुए जा रहा होता है तो उसके यहाँ पे हवा भी बहने लगता है जिसके वजह से वो जो लकीर था वो मिट जाता है। तभी यहाँ पे चीकू सोचती है कि मैं अभी जाती हूँ और कुछ देर में आ जाऊंगी माँ के आने से पहले, और वो यहाँ से निकल जाती है और वो पहुंच जाती है उसी कॉम्पिटिशन में जहाँ होने वाले और वहाँ पे वो फॉर्म लेती है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं फॉर्म का, तो वो कहती है कि आप मुझे ये दे दीजिए मैं कल भर के दे दूंगी। तो वो पेपर ले लेती है और दौड़ते दौड़ते आ रही होती है। तभी यहाँ से उसकी माँ और वो लड़का भी आ रहा होता है। चीकू यहाँ पे जैसे तैसे घुसने की कोशिश करती है और यहाँ पे इसकी माँ की नज़र पड़ जाता है कि जोशी फैमिली ने एक कंपटीशन रखा है, भी जो जीतेगा उसे 1 लाख मिलेगा। तो वही पढ़ने लगती है तब तक यहाँ पे चीकू अंदर आ जाती है और यहाँ पे जो नुपुर और उसकी दोस्त है ये लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो बच्चे कहाँ है। तभी वो देखती है कि उसने जो बैनर लगाया था वो गायब हो गया है। तभी यहाँ पे वो जो इसकी मुंगोली माँ है वो पीछे से उसे बांध लेती है और कहती है कि तू मेरे बच्चे को मुझसे दूर करेगी। वो यहाँ पे लड़ने लगती है। तभी यहाँ पे नुपुर कहती है कि मुझे पता है कि तुम एक गैंग हो और बच्चों से चोरी करवाती हो, वो सारी बातें कह रही थी। ये सुनने के बाद ये चौंक जाती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये है आज के आने वाले एपिसोड के बारे में, तो मिस मत करना, जरूर देखना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करे, कॉमेंट करे, शेयर करे।